दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि महेश भट्ट की तीन बेटियां आलिया भट्ट, पूजा भट्ट और शाहीन भट्ट के अलावा उनका एक बेटा भी है जिसका नाम राहुल भट्ट है, जो एक फिटनेस ट्रेनर है। और राहुल भट्ट बिग बॉस 4 में भी नजर आ चुके हैं। आपको बता दें कि राहुल भट्ट ने 2012 में दिए इंटरव्यू में महेश भट्ट के बारे में जो बात कही थी वो बेहद चौंकाने वाली थी दोस्तों, जो एक बार फिर से वायरल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, राहुल भट्ट ने कहा था कि महेश भट्ट बहुत बुरे पिता हैं, वो कभी भी मेरे साथ नहीं थे जब भी मुझे एक पिता की जरूरत थी। इतना ही नहीं, राहुल ने बताया था कि उनके जन्म के बाद महेश भट्ट उनका नाम मोहम्मद रखना चाहते थे, मगर राहुल की माँ ने जिद करके उनका नाम राहुल रखवाया था। राहुल ने कहा कि महेश भट्ट एक सच्चे मुस्लिम होते तो सारे बच्चों को एक नजर से देखते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल भट्ट ने तो यहाँ तक कहा था कि खूबसूरत औरतें शुरू से ही महेश भट्ट की कमजोरी रही हैं और वो उनकी तरफ बहुत आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि रिया के लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं जो ये वायरल पिक्चर्स बयां कर रही हैं। आपको बता दें कि महेश भट्ट की शादी, पहली शादी 20 साल की उम्र में ही हो गई थी और अपनी पहली पत्नी से उन्हें 2 बच्चे थे, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट, और अपनी दूसरी पत्नी से उनको 2 बेटियां हैं, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। हालांकि 2-2 शादियां करने के बाद भी महेश भट्ट काफ़ी रंगीन मिजाज के रहे हैं और बॉलीवुड में इनके अफेयर्स के चर्चे हम सब जानते ही हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, इन्होंने पूजा भट्ट के साथ भी एक शर्मनाक फोटोशूट करवाया था और उससे भी शर्मनाक बयान देते हुए कहा था कि वो पूजा भट्ट की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस करते हैं और अगर पूजा भट्ट उनकी बेटी ना होती तो वो उनसे शादी कर लेते। जी हाँ दोस्तों, महेश भट्ट के इस बयान से ही हम समझ सकते हैं कि उनकी शख्सियत कैसी है। और जो शख्स अपनी सगी बेटी के लिए ऐसी बात कह दे, वो क्या किसी पराई लड़की को अपनी बेटी मान सकता है दोस्तों? जैसा कि रिया कहती आई है कि वो महेश भट्ट को पिता समान मानती है। आपको बता दें, हाल ही में रिया की ही एक दोस्त ने खुलासा किया है कि 2017 में रिया महेश भट्ट से प्रेग्नेंट हो चुकी है। खैर, हम बस इतना चाहते हैं कि सुशांत के सारे दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। अगर आप भी यही चाहते हैं दोस्तों, तो इस खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।